Hey guys, welcome back to my vlog channel. और आज हम करने वाले हैं days from subscribers का part 2, जिसके लिए मैंने कल community डाल के आपसे days मंगवाए थे और आपने मेरे लिए क्या ही days भेजे. But कोई नहीं, कुछ days अच्छे भी आए हैं. तो जैसा कि हमारे ये पहला डेयर भेजा है हमें निक्की ने, एक नॉर्मल रोटी विद टूथपेस्ट. चलो निक्की जी करते हैं. तो गाइज ये रही हमारी रोटी और ये रहा हमारा टूथपेस्ट. अब मैं इसको इसमें मिक्स करने जा रही हूँ. अगर इसे खाने के बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू ना हो पाए तो समझ लेना कि निशु दीदी का सफर यहीं तक था. कभी ड्राइवर करना. अगले डे दिया है हमको कनिष्का शर्मा ने, डू ब्रश विद चिल्ली पाउडर, प्लीज दी सेलेक्ट माय डेयर. कनिष्का शर्मा तुम डेयर नहीं, मुझसे मेरी जिंदगी मांग रही हो. मतलब टूथपेस्ट से रोटी खिला रहे हो और मिर्ची के साथ तुम ब्रश करवा रहे हो, क्या चाहते हो यार, ना जीऊ मैं. तो ये रही हमारी चिल्ली पाउडर, भर रखी है मैंने, वरना बोलोगी निशु दीदी आपने भरी नहीं थी. और ये रहा हमारा ब्रश और मैं इस जोखिम के लिए तैयार हूँ. ये मैंने पूरा ब्रश पे मिर्ची लगा लिया है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करने वाली हूँ. बहुत खतरनाक है लेकिन ये बहुत ज्यादा. लग गए लग गए घर में. बॉस नेशन भाई ने कच्चा बादाम पे डांस करो पब्लिक में जाकर. तो हम पब्लिक में ही खड़े हैं, बस डांस करना बाकी है. चलो तो बॉस नेशन जी मेरा ये डेयर यहीं पे कंप्लीट होता है. यो अगला डेयर दिया है हमें मलिशा रिजवी ने, किसी लड़की को जाके प्रपोज कर लो और बोलो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी. मलिशा जी आज तो आप मुझे पिटवाने वाली है. लड़की कहाँ से लाऊं, पहले चल के लड़की ढूंढते फिर प्रपोज करेंगे. यार मैं आपको देख रही थी, आप मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है. आपसे ज्यादा नहीं लिखी मेरे को आपसे प्यार हो गया. अगर आप नहीं मिले ना मैं आप जान दे दूंगी. देखो मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है, मेरे को चलेगा, मेरे को सब चलेगा. मैं अपनी जान दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो. वो तो सभी जानते हैं आप नहीं दोगे. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. हाँ ना, हाँ करो या ना करो. देखो एज अ फ्रेंड आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हाँ गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती. गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती. ठीक है गाइज कोई बात नहीं, थैंक यू गाइज. इन्होंने मना कर दिया बट मेरा डेयर यहीं कंप्लीट होता है. शादीशुदा औरतें भी मना करके जा रही है. नेक्स्ट डे दिया है मुझे राहुल ने, दीदी मेरी जॉब लगवा दो तो मानू. यार ये कोई डेयर तो नहीं है बट मेरे पास ऐसे कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं. पर आज मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताती हूँ. आप री लेवल प्लेटफॉर्म पर साइन अप करो. री लेवल पर आप एक आसान सा टेस्ट देके इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हो. और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जॉब आपको सिर्फ आपकी स्किल्स दिलाएंगी, ना कि कोई डिग्री और रिज्यूम ही. इट डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रेशर और वर्किंग प्रोफेशनल. री लेवल आपसे इस पूरे प्रोसेस में एक पैसा भी नहीं लेगा. और कंपनी लाइक क्रेड, यात्रा, मीशो, पेटीएम, शादी डॉट कॉम, एयरटेल और ऐसी 100 से भी ज़्यादा कंपनीज 2000 से भी ज़्यादा रोल्स के लिए री लेवल से हायर करी. और यहाँ पे आप 10 टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. एक रोज सेल्स, वेब डेवलपमेंट, HR, प्रोडक्ट एनालिटिक एंड ऑपरेशन. आज तक री लेवल ने 15 करोड़ प्लस जॉब डिलीवर किए. यही नहीं, इनके पैकेजेस भी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा है। कुछ कैंडिडेट्स को तो 40 लैक्स पर एनम तक का जॉब मिला है। और यार री लेवल अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हर महीने फ्री गुडीज भेजता है और अपने टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट भी देता है। और यार री लेवल पूरा फ्री है तो क्या ही जाता है एक बार चेकआउट करने में। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आज ही जाओ री लेवल पर साइनअप करो और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी पाओ अपना करियर बनाने के लिए। चेकआउट करो जल्दी से। नेक्स्ट डे हमें मिला है सृष्टि राज की तरफ से, आपको 10 अनियन कट करने हैं नाइफ से। यार ये कैसा डेयर है, मतलब मुझे इतना कुछ मुश्किल इसमें लग नहीं रहा, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि वैसे मैंने कभी आज तक इतने अनियन कट करे नहीं है, कभी भी नहीं करे, बट ठीक है मैं कर लूँगी, मेरे लिए नॉर्मल है, मैं अनियन लेके आती हूँ। तो ये रहे हमारे 10 प्याज, गिन के लाई हूँ मैं, तो चलिए शुरू करते हैं। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. A few moments later. मुझे नहीं पता था मेरे बैट बजेगा, विराग भी भैरी है यार, माफ कर दो यार, कमेंट करके बताना कि डेयर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको यही क्विट कर रही हूँ यार, माफ कर दो, कमेंट करके बता दो प्लीज। हमारा नेक्स्ट डेयर दिया है बिच होक ने, नाम कैसा है ये, डॉग के सामने जाओ और डांस करो। अब मुझे डॉग के सामने जाके नाचना है, पहली बात तो मैं कुत्ता कहाँ से ढूंढूं, अगर मुझे उस कुत्ते ने काटा तो इसके जिम्मेदार आप होगे बिट्स हॉक। तो गाइज यहाँ पे हमें कुत्ता मिल चुका है, बट आई डोंट नो ये कैसे रिएक्ट करने वाला है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तू देख रहा है हम दोनों दोस्त बन जाते हैं ये। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब मैं इसे ज्यादा रिटेक नहीं करूंगी, गुस्से से मुझे देख रहा है, ये मुझे काटे और भौंकना शुरू करे इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं, और मेरा डेयर यहीं पे कंप्लीट होता है, बाय बाय। निकल पहली फुर्सत में निकल। हमारा नेक्स्ट डेयर दिया है विकास प्रो गेमर ने, 1 मिनट तक डस्टबिन में बैठो और वहाँ का व्यू लो। ये कैसा डेयर है यार, ये मेरी मौत का इंतजाम कहते हैं इसको, बट ठीक है डेयर है करना तो पड़ेगा, चलो मैं डस्टबिन ढूंढो मेरे लिए। पहली बार निशु को कोई उसकी सही जगह भेज रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोगों को डस्टबिन तो मिल गया है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये डेयर करने का, ये इतना घिनौना डेयर है, बट करना पड़ेगा क्योंकि डेयर दिया है। ये यार कितनी जल्दी बना रही है इसमें से यार। गाइस क्या क्या करना पड़ता है इंसान को, तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरा मरने का मन कर रहा है, और आप व्यू देख सकते हो एक बार अंदर से कैसा व्यू है। गाइस मेरी हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है, अभी भी लाइक ही किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। आज मैं मरते मरते बची हूँ। ओह शिट यार, ये डेयर यही कंप्लीट होता है, बंद कर दो। नेक्स्ट डेयर हमें मिला है आकाश मेहता की तरफ से, किसी अननोन पर्सन का फूड खाओ बिना बताए। ठीक है चलो करते हैं। Target approaching from the north. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नेक्स्ट डे दिया है हमें अमन प्रसाद जी ने, निशु दीदी आपका डे ये है कि आप गंजे हो जाओ। अरे भाई यार मैंने तुमसे डेयर क्या मंगा लिया, तुमने मुझसे क्या क्या मांग लिया, तुम मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेते, मेरे से मेरे बाल मांग रहे हो, गंजी कैसे हो जाऊं? पर ठीक है डेयर है करना तो पड़ेगा। मैंने ना तुम लोगों को खुशी यही चाहते थे।
थे ना, करा लिया गंजा, मिल गया दिल को सुकून। नहीं नहीं देख लो, अभी भी कुछ रह गया ना तो जी भर के देख लो, ऐसी लगती है निशु तिवारी गंजा होने के बाद। यही थी तुम्हारे दिल की तमन्ना? मेरे दिल की तमन्ना ये नहीं थी, ये तो सिर्फ एक स्नैपचैट का सेक्सी सा फिल्टर था। ये तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं मर जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं, एक डेयर के लिए मैं गंजे हो जाऊं? देखो, डेयर था कि तुम्हें मुझे गंजा देखना था, तुमने देख लिया मैं गंजे होकर कैसी लगती हूँ, और मैंने अपना डेयर भी कंप्लीट कर दिया। तो मेरी तरफ से तो देखो कोई चीटिंग नहीं है, मैंने तो अपना डेयर कंप्लीट किया, तो ये डेयर होता है कंप्लीट। अब उससे पहले तुम मेरे हाथ पैर मुंह नाक सब कटवाओ। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो कमेंट करके बता देना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम कर दूँ 1,05,000 लाइक, इस बार 5,000 ज़्यादा करूँ, और चैनल यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब करो मेरी तरफ से।